हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे। तो आज है मंडे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा काम कर लिया है सफाई वगैरह, तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपसे थोड़ी सी बातें भी कर लेते। कई बार क्या होता है, हमारे को पूरी वीडियो में बात करने का टाइम बनने लगता है, तो उसके लिए सॉरी। और आज बहुत सा काम पड़ा है घर में करने के लिए, तो आपको पता चल ही जाएगा आगे वीडियो में कि क्या है, मतलब क्या बोले। तो चलिए मिलते हैं आपको किचन में। और फ्रेंड्स, इस टाइम मैं पहुंच चुकी हूँ किचन में और इस टाइम समय हुआ है सुबह के 5 o'clock। तो आज जल्दी, वैसे तो मैं 5 बजे उठ ही जाती हूँ, मगर आज हमारे घर में पापा जी यानी फादर इन लॉ का श्राद्ध है, तो आज उनका पहला श्राद्ध है। तो मैं सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले मैं अम्मा जी के लिए चाय बना रही हूँ और साथ में दूध उबाल रही हूँ, क्योंकि अम्मा जी है ना हमारे बहुत ओल्ड है, वो नहीं रह सकते बिना खाए पिए। बाकी हम लोग हैं वो, हम लोग तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक पंडित जी की, मतलब पंडित जी नहीं आ जाते। तो बस मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय, तो वो बैठे हैं क्योंकि वो भी जल्दी उठ जाते हैं, बुज़ुर्ग हैं ना, तो बुज़ुर्गों को कभी कभी नींद भी नहीं आती है। तो मैंने सोचा चलो उनको चाय बिस्किट दे देते हैं, बुज़ुर्गों का कुछ नहीं होता। और साइड में जो पानी है मैंने भर रही हूँ पानी, क्योंकि साफ़ पानी चाहिए होता है हर एक चीज़ के लिए। तो बस मैंने मोटर चला दी थी, सुबह सुबह पानी आ जाता है हमारे। तो बस चाय बन गई है और इसके बाद मैं कर रही हूँ सफाई। तो क्या है ना कि आज का जो दिन है ना, बहुत ही मतलब इमोशनल डे है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे शादी करके आई थी तो मुझे लगा था कि चलो यहाँ पे पापा जी तो है, क्योंकि मेरे अपने पापा जी तो थे नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और थे मेरे पापा जी, अम्मा जी इतने अच्छे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। उन्होंने ना कभी भी बहू बेटी में कोई अंतर समझा ही नहीं, मतलब तो हम स्टार्टिंग में क्या होते थे कि सिर के ऊपर चुन्नी लेते थे, आपको पता ही है हम लोग हिमाचल से आए हैं तो यहाँ पे आके गर्मी लगती थी। तो जून जुलाई में शादी हुई थी, तो बोलते थे कि दिल से रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सिर पे चुन्नी लेके कुछ भी नहीं होता है। तो मतलब कभी भी उन्होंने हमारे को बहुएं नहीं समझा, हम 3 बहुएं हैं, कभी भी किसी में कोई अंतर नहीं समझा है। तो बस यहाँ पे मैंने फिर दोबारा से अम्मा जी और इनको चाय दे दी है और साथ में मैं बना रही हूँ खीर। तो खीर को मैं कुकर में बनाऊँगी क्योंकि इसका जो तला होता है ना थोड़ा मोटा होता है। तो बस, और साथ में ये पुदीना है जो अभी ये तोड़ के लाए थे ऊपर से, और इधर मैं पोछा लगा रही हूँ साथ साथ में, क्योंकि सारा काम जल्दी जल्दी करना, क्योंकि पंडित जी आ जाते हैं तब तक हमें खाना भी तैयार चाहिए होता है। तो मैं बस ये पोछा लगा रही हूँ और उसके बाद क्या होता है, मैं पूरा नहा वगैरह के नहा के आ जाती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ही सारा काम करना होता है, शुद्धि चाहिए होती है ऐसे कामों में। तो बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ चटनी, क्योंकि बोलते हैं ना कि इसमें मतलब तली हुई चीज़ें, चटनी और भल्ले और जैसे काली दाल होती है, हमारे तो ऐसे बोलते हैं कि ये चीज़ें होना ना बहुत ज़रूरी होता है, और जो जो चीज़ें भी उनको ना पसंद होती है वो चीज़ें बनानी चाहिए। तो आज हमने कोशिश तो की है अपने तरफ से बनाने की भी उनकी पसंद का सब कुछ बनाया जाए। तो मैं और ऊपर वाली दीदी मिलके खाना बना रहे हैं, तो नीचे ही हम सब लोग इकट्ठा करेंगे श्राद्ध। और जो बड़े वाले दीदी हैं वो थोड़े दूर रहते हैं नोएडा में, तो वो वहाँ पे करेंगे, क्योंकि इतने दूर से आने में भी प्रॉब्लम होती है, तो वो वहीं पे कर रहे हैं। तो बस इधर मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि उन्हें ना आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत पसंद थी और वो जो मीठा थे ना बहुत पसंद करते थे, मतलब जैसे हलवा होगा कभी चाय के टाइम बोल देते थे कि आज ना भी हम हलवा बनाएंगे, और वो हम लोगों को पता क्या बोलते थे, छोकरी बोलते थे। इतना प्यारा वर्ड लगता था ना उनके मुँह से, मतलब पूछो मत। तो बस आज कर रहे हैं। तो इधर जो हमारी है खीर भी मोस्टली बनके रेडी हो चुकी है और इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट। वैसे तो अम्मा जी से चबाए नहीं जाते, मगर अम्मा जी को मैं इसमें से निकाल निकाल के ड्राई खीर दूंगी, इसलिए मैंने मोटे मोटे काटे। और इधर कर रही हूँ मैं पूड़ों की तैयारी। तो मन में ना क्या होता है, पहले मैंने इसमें जो पानी है ना ठंडे पानी में मैंने 1 घंटे पहले चीनी भिगो दी थी, और जो थोड़ी बहुत चीनी बची थी उसको मैं कड़छी के साथ हिला के कर रही हूँ। और उधर मैंने आटा लिया है और इसको मैं हाथ से मिला रही हूँ, क्योंकि इसमें लम्ब्स पड़ जाते हैं इसलिए अच्छे तरीके से करने पड़ते हैं। और इधर बना रही हूँ मैं पूड़ी, और मन में ये भी चल रहा था कि पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि हम इसको कम बनाते हैं,
पर नहीं, ये बहुत अच्छे बने थे और पंडित जी भी खुश हो गए थे खा के। तो ये पूरे तल रहे हैं और जो इसको मतलब घी निकालने वाले पलटे बोलते हैं हमारे, तो उसको वो नहीं थे, तो मैं झरनी और मतलब पलटा होता उसका यूज करूँगी। हमारे तो लकड़ी के होते हैं ना वहाँ पे, मगर मैं लाऊंगी कभी उसको, उसकी कमी लग रही थी मुझे। तो बस इसमें से कोशिश कर रही थी मैं कि मैं इसको तेल हो सके निकाल दूँ, घी मतलब रिफाइंड डाला है मैंने इसमें। तो ये जो लास्ट वाला होता है हमारे गांव में तो बोलते हैं ना कि मतलब बैलों को दिया जाता है, ये मतलब डंगरों को दिया जाता है, तो ये मेरे से पलटा नहीं लगा। यहाँ पे डंगर तो नहीं है पर मैं सोच रही हूँ कि गाय को दे देंगे उधर जाके, तो ये लास्ट वाला मैंने इसलिए बनाया है। और ये थोड़े से ठंडे हो गए थे पूड़े, तो मैं इसको एक एक करके निकाली हूँ, क्योंकि गरम गरम होते हैं ना तो चिपक जाते हैं, तो बस ठंडे हुए हैं ये, तो एक एक निकाल रही हूँ। और वाकई पूड़े अच्छे बन गए थे, मतलब मन में खुशी होती, वरना डाउट सा था कि बनेंगे नहीं बनेंगे मगर। और यहाँ पे आ गए हैं पंडित जी, पंडित जी करवा रहे हैं पूजा। तो बस ये सामने जो है पापा जी की फोटो है, और ये जो भी संकल्प वगैरह होता है, जो भी कुछ सामान वगैरह देना होता है, वो सब कुछ साइड में रखा है, तो वो बस संकल्प करवा रहे हैं। अपना नाम ले लिए पापा जी बनाओ, पापा जी का नाम से सुख शांति सबका नाम ले, सबका नाम ले दो मुझु को अपना सब जैसे देवता है सबका नाम ले दो मुझु सबका नाम thank you।
है क्योंकि दीदी वगैरह सब आए थे ऊपर से, तो बस सब खाना वगैरह खाने के बाद संतुष्टि हुई है। अभी चलो अच्छे तरीके से सारा काम हो गया है, तो इस टाइम मैं बर्तन धो रही हूँ और टाइम भी इस टाइम हो चुका है, 3 बज चुके हैं। तो बस सोचा कि ये जल्दी जल्दी बर्तन हो जाए, थोड़ा सा रेस्ट हो जाए क्योंकि सुबह से भी उठे हुए हैं। तो ये पूरी किचन हमारी साफ़ हो गई है और मन को एक सुकून मिल गया है।